कल हमने हमारी फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म की जो हमारी यूनिट है वो शुरू की है। तो कल हमने जो मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट है उसके बारे में आपको बताया था। तो आज हम जो मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट का बहुत ही फेमस जो वर्क है, ए विंडिकेशन ऑफ राइट ऑफ वुमेन बाय मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट, ए विंडिकेशन ऑफ राइट ऑफ वुमेन जो है ये बहुत ही फेमस वर्क है जो कि मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट ने लिखा है। मैंने कल जो लड़की की जो एजुकेशन है, जो गर्ल की जो एजुकेशन है उसके ऊपर जोर दिया था और ये कहा था कि आप किसी लड़की को पैसे दो या ना दो, ज्वेलरी दो या ना दो, उसको एजुकेशन ज़रूर देनी चाहिए। तो वही बात हमारा जो ये वर्क है ए विंडिकेशन ऑफ राइट ऑफ वुमेन, इसमें हमारी जो बहुत ही फेमस जो राइटर है मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट उन्होंने की है। ये जब उन्होंने जब ये वर्क लिखा था ए विंडिकेशन ऑफ राइट ऑफ वुमेन, तो इन्हें बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा था क्योंकि उस टाइम में जो वुमेन है उनके राइट के ऊपर कभी भी आवाज़ ही उठाई नहीं गई थी। उस टाइम पर सिर्फ क्या पैट्रियार्कल सोसाइटी होती थी और जो मैन होते थे उन्हीं की पोजीशन ऊपर होती थी, लेकिन जो वुमेन है उनको दबा कर रखा जाता था और वुमेन के लिए जो फ्रीडम वर्ड है इसका यूज उस टाइम पर तब तक नहीं हुआ था। तो जब मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट ने ए विंडिकेशन ऑफ राइट ऑफ वुमेन जो वर्क है ये लिखा, तो इन्हें बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा था और इनके प्रयास के बावजूद उस टाइम पर तो कोई ज़्यादा असर नहीं हुआ, इनकी खुद की ही जो लाइफ थी वो चेंज हुई थी, लेकिन इनके जो कोशिश की गई थी उसके कारण जो हमारे जो आगे आने वाला जो लिटरेचर है उसमें जो फेमस जो फेमिनिस्ट क्रिटिक हैं उन्होंने फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म के बारे में लिखना शुरू कर दिया। तो जो बिगिनिंग की थी वो मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट ने की थी और उन्होंने जो आइडिया दिया था वो आगे चलकर जो दूसरे राइटर हैं उन्होंने अपना लिया और उन्होंने जो फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म है उसके बारे में लिखना शुरू किया और उन्होंने जो आवाज़ उठाई उसी के बाद जो हमारे लीगल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल जो बहुत सारे जो फील्ड है जिसमें जो वुमेन है वो पीछे थी, तो अब वो क्या है आगे आने लग गई थी। तो क्या है जो हमारा विंडिकेशन ऑफ राइट ऑफ वुमेन है ये हमारा जो वुमेन के जो राइट हैं उनके बारे में लिखा गया पहला वर्क है। तो जो ये वीडियो है इसमें हम जो ए विंडिकेशन ऑफ राइट ऑफ वुमेन जो वर्क है इसको लिखने का जो रीजन है, इसका जो बैकग्राउंड है उसको जानने की कोशिश करेंगे। हेलो, आई एम राधा एंड वेलकम इन माय ट्रिनिटी ग्रुप। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है ए विंडिकेशन ऑफ राइट ऑफ वुमेन। मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट ए विंडिकेशन ऑफ राइट ऑफ वुमेन वाज ए ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क ऑफ लिटरेचर विच स्टिल रिजोनेट्स इन द फेमिनिज्म एंड ह्यूमन राइट मूवमेंट ऑफ टुडे। जो हमारा मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट का ए विंडिकेशन ऑफ राइट ऑफ वुमेन जो वर्क है वाज ए ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क, ये एक जो हमारी नींव है, धरती है, उसको हिला देने वाला वर्क है। तो ये बहुत ही ज़्यादा क्या है एक नींव के रूप में काम करने वाला एक वर्क है जिसने फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म की नींव डाली। तो एक ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क है। ग्राउंड ब्रेकिंग क्यों कहा है, क्योंकि उस टाइम में जो वुमेन के जो राइट है उनके बारे में नहीं बोला जाता था, तो इस वर्क में जो वुमेन के जो राइट है उनके बारे में बोला गया, तो ये ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क है। तो उस टाइम के जो लोग थे उन्होंने इसको माना भी नहीं था, उनकी बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म की थी, लेकिन इन्होंने जो इसमें मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट ने जो व्यूज दिए हैं उनकी वजह से ये क्या है ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क है ऑफ लिटरेचर का ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क है विच स्टिल रिजोनेट्स फेमिनिज्म एंड ह्यूमन राइट, जो क्या है आज भी हमारे जो फेमिनिज्म है और जो ह्यूमन राइट मूवमेंट है उसमें आज भी किया जाता है, आज भी उसका जो प्रभाव है वो देखा जा सकता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा वो प्रभाव डालने वाला वर्क था। वॉलस्टोनक्राफ्ट रोट द बुक एज ए रिएक्शन टू एडमंड बर्क रिफ्लेक्शन ऑन फ्रेंच रिवोल्यूशन एज ए मूवमेंट विच वुड इनएविटेबली एज एन इनहेरिटेड पोजिशन एंड प्रॉपर्टी इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथ इट। जो हमारा ये वर्क है, जो वॉलस्टोनक्राफ्ट ने जो ये वर्क लिखा था,
तो मैंने कहा था कि इस वर्क को लिखने का जो बैकग्राउंड है या रीजन है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो उसका जो रीजन है वो ये है कि जो हमारे एक राइटर थे एडमंड बर्क, उन्होंने एक वर्क लिखा जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से रिलेटेड था, जिसमें उसने क्या है फ्रेंच रिवॉल्यूशन में फेल होने के जो रीजन है उनके बारे में बताया। और उन्होंने कहा, एडमंड बर्क ने कहा कि जो इंसान है वो अभी भी ट्रेडिशनल वे से जी रहा है, बहुत सारे जो लोग हैं उनको राइट नहीं मिले हुए हैं, तो जो मैन है उसको राइट मिलना चाहिए। जो राइट उन्होंने बताए, तो उन्होंने कहा कि मैन को हर एक जो फील्ड है, जो सिविल है, रिलीजियस है, उन फील्ड में क्या है राइट मिले हुए हैं और वो उनको मिलने चाहिए। तो एडमंड बर्क ने ये कहा कि जो मैन को जो राइट है, अगर वो पूरी आज़ादी के साथ, फ्रीडम के साथ जो राइट है वो उनको मिल जाए, वो उनको राइट मिल जाए, तो वो क्या है और भी अच्छे से जो हमारा फ्रेंच रिवॉल्यूशन है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते थे। तो वुल्स्टोनक्राफ्ट रोट ए बुक एज ए रिएक्शन टू एडमंड बर्क। तो उन्होंने जो ये वर्क लिखा वो एडमंड बर्क का जो रिफ्लेक्शन था उनके रिएक्शन में ये लिखा है, ऑन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जो उन्होंने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में बोला था, एज ए मूवमेंट विच वुड बी इनएविटेबली एज इनहेरिटेड पोजिशन एंड प्रॉपर्टी इन ऑर्डर टू राइट ए विंडिकेशन ऑफ राइट ऑफ मैन 1790। और उन्होंने जो स्ट्रेंथ है, जो पोजिशन है, उन्होंने कहा कि जो प्रॉपर्टी है, जो इंसान, जो व्यक्ति को प्रॉपर्टी है, जो उसको स्ट्रेंथ मिलनी चाहिए, वो क्या है, वो उसने विंडिकेशन ऑफ राइट ऑफ मैन वर्क लिखा कि जो हमारे कॉमन मैन है उनको ये जो हमारे राइट है वो मिलने चाहिए। तो उन्होंने लिखा ए विंडिकेशन ऑफ राइट ऑफ मैन जो 1790 में पब्लिश हुआ था, जो 1790 में पब्लिश हुआ था, ए विंडिकेशन ऑफ राइट ऑफ मैन, जिसमें जो मैन है उसके राइट के बारे में बताया है, वुमेन के राइट के बारे में नहीं, वुमेन के राइट के बारे में हमारा वर्क है वो है विंडिकेशन ऑफ राइट ऑफ वुमेन। लेकिन अब मैं जिसके बारे में बता रही हूँ, जिसके रिएक्शन में जो हमारे वुल्स्टोनक्राफ्ट है उसने विंडिकेशन ऑफ राइट ऑफ वुमेन लिखा था, तो वो था एडमंड बर्क का वर्क, वो था ए विंडिकेशन ऑफ राइट ऑफ मैन जो 1790 में पब्लिश हुआ था, और उसमें जो मैन है उसके राइट के बारे में, उसके अधिकार के बारे में बताया गया था। ए रिब्यूटल रिफॉर्म एंड स्टेटिंग दैट रिलीजियस सिविल लिबर्टीज वर पार्ट ऑफ मैंस लाइफ एंड मैंस बर्थ राइट। इसमें उसने जो बात कही थी, जो बात हमारे सामने रखी थी, वो ये थी कि जो मैन है उसको रिलीजियस और जो सिविल है वो लिबर्टी मिलनी चाहिए, वो आज़ादी मिलनी चाहिए, उन्हें रिलीजियस और जो सिविल जो लिबर्टी है वो मिलनी चाहिए। उन्होंने आर्ग्यूमेंट किया फेवर ऑफ पार्लियामेंट्री रिफॉर्म, जो पार्लियामेंट है उसमें रिफॉर्म की ज़रूरत है, उसमें क्या है हमें एक सुधार करना होगा, रिफॉर्म करना होगा। और उन्होंने कहा जो मैन है उसको रिलीजियस और सिविल लिबर्टी मिलनी चाहिए, आज़ादी मिलनी चाहिए, वन पार्ट ऑफ मैंस लाइफ। और ये जो लिबर्टी है, जो आज़ादी है, ये पार्ट है ऑफ मैंस लाइफ, जो मैन की जो लाइफ है उसका, मैंस बर्थ राइट। और जो ये लिबर्टी है ये मैन का बर्थ राइट है, उसका जन्म सिद्ध अधिकार है, ये आदमी का अधिकार है। तो उन्होंने कहा कि जो रिलीजियस और सिविल लिबर्टी है वो मैन को मिलनी चाहिए, विद द करप्शन कास्ट इन द मेन इग्नोरेंस। और इसमें अगर कोई करप्शन है रिलीजन में और सिविल जो राइट्स हैं, अगर इनमें कोई करप्शन है तो ये क्या है इग्नोरेंस को दिखाता है। अगर मतलब क्या है, अगर हम किसी इंसान के को पूरे अधिकार नहीं दे रहे हैं, राइट नहीं दे रहे हैं, और उसमें क्या है करप्शन भी मिलता है, तो ये इग्नोरेंस को दिखाता है कि जब इंसान को जो हमारे जन्मसिद्ध अधिकार मिला हुआ है, तो फिर उसको अगर उसको जन्मसिद्ध अधिकार देने में भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसमें कोई करप्शन है, तो ये इग्नोरेंस है। फिर एक और जो राइटर है उन्होंने भी एक जो मैन के राइट है उनके बारे में एक वर्क लिखा, और वो था थॉमस पेन का जो पब्लिश्ड है हिज एसे ऑन मैन। तो उनका जो वर्क था वो था जो राइट ऑफ मैन, जो राइट ऑफ मैन है वो सेकंड वर्क था। पहला जिसके रिएक्शन में ये विंडिकेशन ऑफ राइट ऑफ जो वुमेन वर्क लिखा गया है, तो वो है जो एडमंड बर्क का जो वर्क है ए विंडिकेशन ऑफ राइट ऑफ मैन जो 1790 में पब्लिश हुआ था, और एक है थॉमस पेन का जो वर्क है द राइट ऑफ मैन जो 1791 में पब्लिश हुआ था।
आल्सो आर्ग्यूइंग अगेंस्ट वर्क, जिसमें वर्क के जो आर्ग्यूमेंट हैं उनके भी अगेंस्ट लिख रखा है। जैसे कि हम कोई वर्क लिखते हैं और उसी के रिफॉर्म में कोई वर्क बोला जाता है तो उसे क्या कहते हैं कि ये कहते हैं कि उसने उसके बारे में क्रिटिसिज्म कर रखी है। जैसे कि मैंने क्रिटिसिज्म कर दी, फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म के बारे में वीडियो बना दी, कोई मेरा कोई कोई मतलब मुझसे भी ज़्यादा जो नॉलेज रखने वाला है वो आए, वो बोल दे कि आपने यहाँ पर गलत करवाया है, तो मैं ये थोड़े नहीं कह सकती हूँ कि नहीं सर मैंने नहीं करवाया। तो ये मैंने पहले बताया था कि हर एक इंडिविजुअल की अलग अलग थॉट होती है। आप किसी वर्क को अलग तरीके से समझ सकते हो, मैं किसी वर्क को अलग तरीके से समझ सकती हूँ। तो अब इसमें क्रिटिसिज्म के बारे में समझाया है कि अगर कोई आपके वर्क का क्रिटिसिज्म करता है तो वो भी अच्छा होता है, क्योंकि इससे आपको ये पता चलता है कि आपके वर्क में कोई दम था, तभी तो उस बंदे ने आकर उसके बारे में ये बताया है, तभी तो उसने इस वर्क को देखा है। क्योंकि आपका जो वर्क है, अगर आप वो कोई वर्क है वो लिखते ही नहीं, अगर आप किसी वर्क के बारे में अपने व्यूज़ देते ही नहीं, तो उसकी क्रिटिसिज्म क्या होती है? जब कोई आपने वर्क लिखा है, जो आपने कोई वीडियो बनाई है, तब भी तो उसकी क्रिटिसिज्म होगी। तो यहाँ पर ये कहा है कि जो एडमंड बर्क ने जो विंडिकेशन ऑफ राइट ऑफ मैन जो वर्क लिखा था, तो उसके क्रिटिसिज्म जो राइट ऑफ मैन है उसमें की गई, जो थॉमस पेन ने जो मैन के राइट है उसके बारे में 1791 में जो ये वर्क था वो लिखा था। आल्सो आर्ग्यूइंग अगेंस्ट वर्क, जिसमें वर्क के जो आइडियाज हैं उनके बारे में भी आर्ग्यूमेंट हुआ है, बट लेकिन अब इन दोनों से ऊपर आई है और वो आई है अपनी वोल्स्टोनक्राफ्ट। तो उसने क्या कहा, बट वोल्स्टोनक्राफ्ट प्रोसीड्स टू गो वन स्टेप फर्दर, वो उन दोनों के स्टेप से भी आगे निकलती है, स्टेप फर्दर वो उनके स्टेप से भी आगे निकलती है। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम ए बुक वॉज पब्लिश दैट आर्ग्यूड फॉर वुमेन्स राइट टू बी ऑन द सेम फूटिंग एज मैन। तो जो ये एक कदम और आगे निकलती है और इन्होंने तब वो बात बोली जो आज तक किसी ने नहीं बोली थी, और उसने कहा कि अगर मैन को राइट मिले हैं तो वुमेन को भी राइट मिलने चाहिए, जब मैन को अधिकार मिला है तो वुमेन को भी अधिकार मिलना चाहिए। आपकी फैमिली में भी आपके भाई के साथ कभी कभी लड़ाई हो जाती होगी, भाई अगर तेरे को ये मिला है तो मुझे भी चाहिए, अगर तू टूर पर जाएगा तो मैं भी जाऊँगा, तो इस तरह के जो आर्ग्यूमेंट हैं मैं भी जाऊँगी, तो इस तरह के आर्ग्यूमेंट होते रहते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे राइटर हैं उन्होंने एक से एक बढ़कर वर्क लिखा, उन्होंने मैन के राइट के बारे में लिखा, लेकिन तभी जो हमारे जो वोल्स्टोनक्राफ्ट है वो भी पीछे रहने वाली नहीं थी, तुमने वर्क लिखे हैं तो मैं क्यों रहूं पीछे। तो उसने भी लिख दिया कि अगर मैन को राइट मिलेंगे तो वुमेन को भी राइट मिलने चाहिए। अब उसने जो मेन आइडिया इस वर्क में दिया है उसके बारे में हम जान लेते हैं, और वो दिया है उसने रैशनल एजुकेशन के बारे में। रैशनल एजुकेशन, तार्किक शिक्षा, तो रैशनल एजुकेशन के बारे में बोला और क्या कहा, वन ऑफ द वोल्स्टोनक्राफ्ट सेंट्रल आर्ग्यूमेंट इन द राइट ऑफ वुमेन इज दैट वुमेन शुड बी एजुकेटेड इन ए रैशनल मैनर टू गिव देम अपॉर्चुनिटी टू कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी। उसने कहा कि जो वुमेन है उसको रैशनल एजुकेशन मिलनी चाहिए, उसको एक तार्किक शिक्षा मिलनी चाहिए, अगर उसको एजुकेशन नहीं मिलेगी तो वो मैन के साथ नहीं चल सकेगी, लेकिन अगर उसको एजुकेशन मिलेगी तो हमारी सोसाइटी है उसमें वो कंट्रीब्यूट कर सकेगी। मैंने कल वाली वीडियो में भी बोला था कि अगर वुमेन को हम मौका देंगे तो वो खुद को इंजीनियर बना सकती है, डॉक्टर बना सकती है, टीचर बना सकती है, साइंटिस्ट बना सकती है, और कोई एनजीओ खोल सकती है, वो कुछ भी बड़ा काम कर सकती है। लेकिन अगर जो औरत है, जो एक वुमेन है, उसको हम टाइम ही नहीं देंगे, मौका ही नहीं देंगे, एजुकेशन ही नहीं देंगे, उसके लिए जो हर द्वार है, जो नॉलेज के हर रास्ते हैं वो बंद कर देंगे, तो वो सिर्फ चार दीवारी के अंदर ही बंद रह जाएगी, उसकी जो लाइफ है वो क्या है, उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं होगी, बल्कि वो एक जिंदा होते हुए भी एक मरे हुए इंसान की तरह अपनी पूरी की पूरी जो लाइफ है उसको घर की चार दीवारी के अंदर ही स्पेंड कर देगी, बिता देगी और मर जाएगी। लेकिन अगर उसको
क्वालिफिकेशन मिलेगी, मौका मिलेगा तो वो खुद को इंजीनियर बना सकती है, डॉक्टर बना सकती है, साइंटिस्ट बना सकती है, टीचर बना सकती है, और वो अपने साथ साथ अपनी जो कंट्री है और जो अपनी सोसाइटी है उनका भी हेल्प कर सकती है। हम कितनी ही जो बहुत ही अच्छी जो इंटेलिजेंट और बहादुर जो औरतें हैं उनको हम देख सकते हैं, तो उन्होंने भी यही कहा था कि अगर सोसाइटी में जो वुमेन है उसकी पोजीशन को अच्छे से बनाए रखना चाहते हो तो वुमेन को जो रैशनल एजुकेशन है वो देनी होगी। इन 18th century थी, इट वॉज ऑफ्टन अज्यूम्ड बाई बोथ एजुकेशनल फिलोसफर एंड कंडक्ट बुक राइटर हु रोट दैट वुमेन वर इनकैपेबल ऑफ रैशनल और एब्स्ट्रैक्ट थॉट। और 18th century में बहुत सारे ऐसे राइटर आए थे, उन्होंने ये कहा था कि जो वुमेन है वो एजुकेशन के लायक ही नहीं है, वो इनकैपेबल है। क्या आपको लगता है कि वो जो वुमेन है वो इनकैपेबल है, क्या उसमें योग्यता नहीं है एजुकेशन लेने की? नहीं लगता ना। लेकिन 18th century में वुल्लस्टोनक्राफ्ट ने ये कहा है कि बहुत सारे ऐसे क्रिटिक आए थे, राइटर आए थे, जिन्होंने कहा कि जो वुमेन है वो एजुकेशन के लायक ही नहीं है, उनको एजुकेशन देने की ज़रूरत ही नहीं है, अगर उसको एजुकेशन दे दिया तो तुम्हारे ही आगे बोलने वाली है। तो इस तरह के जो पीछे के जो ट्रेडिशनल वे वाले जो मैन होते हैं, जो व्यक्ति होते हैं, जो फैमिली होते हैं, वो प्रोग्रेस में बहुत ज़्यादा बाधा पैदा करने वाले होते हैं। तो बहुत सारे थिंकर आए जिन्होंने कहा कि जो वुमेन है उसको राइट देने की ज़रूरत नहीं है, उनको एजुकेशन देने की ज़रूरत नहीं है। उनके जो थिंकर हैं जिन्होंने ये कहा कि जो वुमेन है वो इनकैपेबल है एजुकेशन लेने के लिए, उनकी जो वीडियो है मैं वो नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी जिसमें जो थिंकर हैं जिन्होंने ये बातें बोली थी उनके बारे में हमें पता चलेगा। लेकिन वुल्लस्टोनक्राफ्ट ने कहा कि जो वुमेन है उनको रैशनल एजुकेशन मिलनी चाहिए, उनको कम से कम मौका तो दो, जब उनको मौका मिलेगा तभी तो वो कर सकती हैं, चाहे कुछ भी करें, अगर उनको मौका नहीं मिलेगा तो हम कैसे अंदाज़ा लगा सकते कि वो कर सकती हैं या नहीं कर सकती। हर एक जो इंसान है उसकी जो कैपेबिलिटी होती है, जो कैपेसिटी होती है, जिसकी योग्यता होती है, वो एक जैसी नहीं होती। किसी के अंदर कोई आर्ट होती, किसी के अंदर कोई आर्ट होती है, उसको सिर्फ बाहर आने की ज़रूरत होती है कि इस इंसान के अंदर ये आर्ट है, वो इस आर्ट को शो करना चाहता है, उसके अंदर ये आर्ट है, और वो टाइम के साथ ही उसको जब मौका मिलता है तभी सामने आ सकती है। तो क्या उसको मौका मिलना चाहिए? तो यही बात हमारे विंडिकेशन ऑफ राइट ऑफ वुमेन में जो वुल्लस्टोनक्राफ्ट है उन्होंने कहा कि जो वुमेन है एक बार उसको मौका तो दो, उसको जो रैशनल एजुकेशन है वो तो दो, उसके बाद देखना कि वो है या नहीं है योग्य। अब घर से तो बाहर निकलने नहीं देते, एजुकेशन तो उनको देते नहीं, और कह देते हो कि वो इनकैपेबल है, वो सिर्फ बच्चे पैदा करने की मशीन नहीं है, उसके अंदर और भी योग्यता है, उसको आप सामने तो आने दो, तभी तो आप कह सकते हो। अगर आपने उसको मौका ही नहीं दिया, कुछ करने का मौका ही नहीं दिया, और फिर भी आप ये बोल रहे हो कि वो नहीं कर सकती है, तो ये गलत है। पहले मौका दो, अगर ना हो तो बोलो। और हम आज के जो प्रेजेंट टाइम है उसमें हम देख सकते हैं कि जो वुमेन है वो मैन से किसी तरह से इक्वल नहीं है। हाँ, हम मान सकते हैं कि कुछ वुमेन क्या मैन भी हो सकते हैं, जो वो क्या है हमारे माइंड की जो IQ लेवल होता है उसके ऊपर बेस्ड होता है कि कोई कुछ पीछे रह जाता है, कोई आगे निकल जाता है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि जो वुमेन है वो मैन से किसी तरह से कम है। तो यही बात हमारे जो विंडिकेशन ऑफ राइट ऑफ वुमेन है इसमें जो मैरी वुल्लस्टोनक्राफ्ट है उसने कहा कि जो वुमेन है उसको रैशनल एजुकेशन मिलनी चाहिए। इसके बारे में एक और वीडियो बनेगी, तो वो भी वीडियो आप ज़रूर देखना। अब आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू।